मिरर इतनी जगह पे लग जाते हैं कि हमारे घर में जाने अनजाने में पूरा घर मिरर हाउस बन जाता है, तो हमें पता भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये बात समझेंगे कि वॉल मिरर का क्या इफेक्ट होता है, फर्नीचर मिरर के क्या नुकसान या फायदा होते हैं, या कई बार आपने सिर्फ फ्लोर डेकोर खरीदा है होम डेकोरेशन में अलग अलग तरह पे, तो वहाँ पे किस तरह के मिरर होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। तो मिरर सबसे पहले ये है कि घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वास्तु में मिरर जो है वो रेमेडी का माध्यम है। दिशा को एक्सटेंड करना हो तो मिरर का प्रयोग किया जाता है, नुकसान को डाइवर्ट करना हो तो मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो रेमेडियल साइंस में मिरर का प्रयोग किया जाता है, और वो चीज़ जाने अनजाने में आम आदमी अपने घर में लगा देता है, तो फ़ायदा नुकसान कहीं कोई चीज़ खामियाजा हो सकता है।